एक बार एक फौजी दुश्मन के इलाके में गलती से पहुंच जाता है और वहां के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं। वो जवान जैसे तैसे करके उन सबका सामना करता है क्योंकि उसके पास ना ही हथियार थे और ना ही वहां के सिविलियंस को मारने के लिए ऑर्डर। लेकिन वो लोग भी उसे पकड़ लेते हैं और बाद में उस फौजी को मारने लगते हैं और बार बार धक्का देने लगते हैं, लेकिन वो फौजी उनसे कुछ भी नहीं कहता। तभी उनमें से एक उसके तिरंगर पर हाथ लगाने वाला होता है और यही देखकर फौजी की सटक जाती है, इसलिए वो उसको पकड़ लेता है और उनमें से तीन चारों को खूब मारता है। लेकिन उसे जैसे तैसे करके वहां से निकलना था, इसलिए वो बॉर्डर की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो सारे लोग भी उस पर पत्थरों से हमला करते हैं और जिसमें वो फौजी काफी घायल भी हो जाता है और आखिर में वो उस फौजी को एक ब्रिज पर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी लोकल औरतों का ग्रुप आता है और उस फौजी को घेर लेता है और कहता है कि तुम्हें से कोई भी इस फौजी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उन सबके पति कहते हैं कि तू आखिर इस दुश्मन को क्यों बचा रही है, तू गद्दार है क्या? वो कहती है कि नहीं, लेकिन अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो यहाँ पर इंसानियत मारी जाएगी, ये बेचारा गलती से यहाँ पर आ गया था और वो भी निहत्ता और तुम सब लोग झुंड बनाकर इस एक के पीछे पड़ गए हो, अगर लड़ाई ही करनी है तो लड़ाई बराबर की करो। और ये सब सुनकर लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे पत्थर फेंक देते हैं और वो हमारे फौजी को सही सलामत उसकी सरहद पर पहुंचा देती है। दोस्तों, इस औरत की इंसानियत के लिए एक लाइक तो बनता है।